हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट नारी में। तो फ्रेंड्स, सीताफल का पल्प बनाने के लिए या सीताफल प्रिजर्व करने के लिए हम लेंगे एक इस तरह से बड़ी सी छलनी, ये जो गेहूं छानने वगैरह की होती है, और एक बर्तन बड़ा सा परात लिया है मैंने। और वैसे आजकल यूट्यूब वगैरह पे रस्सी वाले चॉपर से भी सीताफल का पल्प निकालना बता रहे हैं, पर वो तरीका सही नहीं लगा मुझे। आप इस तरीके से देखिए कि कैसे हम बहुत स्पीड में और बहुत अच्छे से सीताफल का पल्प निकाल लेते हैं। हमें करना ये है, बस सीताफल को हम इस तरह से खोलेंगे और इसका पल्प चम्मच की हेल्प से इस पर डालते चले जाएंगे। आप सीताफल को चेक कर लें एक बार, कहीं कुछ खराब ना हो, और ये इस तरह से ग्रीन पार्ट नहीं डालना है हमें। और अगर सीताफल आप मार्केट से लाते हैं तो इस तरह से ये जो बड़े बड़े कौड़ियों वाले होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ध्यान से ऐसे सीताफल लेकर आएं। और ये देखिए, इस तरह से सीताफल ले लिए और इन्हें हाथ से आपको इस तरह से मैश करते जाना है। तो इससे क्या होगा, ये जो तार की जो छलनी है, इससे पल्प और जो बीज है वो अलग अलग होंगे और कुछ पल्प नीचे गिरेगा और कुछ पल्प साइड में ही इकट्ठा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बीजे अलग हो गए। कुछ दो तीन मिनट बस आपको इस तरह से मैश करना है तो सारे बीजे अलग हो जाएंगे। इस तरह से अलग होने के बाद हम इन बीजों को हटा देंगे। इस तरह से हमने ये बीजे छांट लिए हैं। अभी कुछ और सीड्स रह गए हैं तो इन्हें भी हम इसी तरह से मैश करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। करीब करीब चार सीताफल के अगर आपको बीज निकालने हैं तो 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। और सीताफल का पल्प निकाल लेने के बाद जब आप इसे प्रिजर्व कर लेंगे तो आप इसे आइसक्रीम बना सकते हैं सीताफल की, या आप इससे रबड़ी में मिक्स करके सीताफल की रबड़ी बनाइए, या आप दूध के साथ मिल्क शेक बनाइए। सीताफल का शेक बहुत अच्छा लगता है। कई चीजें बन सकती हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप और क्या बनाना जानते हैं इससे। तो ये हमने सारे इसके सीड्स हटा दिए और ये पल्प है, और ये नीचे देखिए ये पल्प निकल गया है। हम ये पूरा मिक्स कर देंगे सारा, ये वाला भी सारा ले लेंगे और इधर से भी सारा हटा लेंगे। तो ये देखिए, ये हमें पल्प मिल चुका है और इसे ही हम स्टोर करेंगे। तो ये सीताफल के पल्प को हम इस तरह से किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। इसमें हमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, बस हम इसे इसमें डाल देंगे और फ्रीजर में हम आराम से इसको फ्रीजर में ही रखना है। ध्यान रखिएगा, फ्रिज में नहीं रखना है। और कोशिश करें इसमें एक भी बूंद पानी की नहीं जा पाए, आपका कंटेनर भी सूखा हो और आपके बर्तन भी सूखे हो, क्योंकि पानी जाने से थोड़ा सा खराब होने के चांसेस रहते हैं। बस आप इसे अच्छे से बंद करें और फ्रीजर में रख दें। ये 6 महीने साल भर तक भी एज इट इज रहेगा, और जब भी आपको यूज करना हो उसके आधे घंटे पहले इसे फ्रीजर से निकाल दीजिए और आराम से आप इससे मिल्क शेक बनाइए, आइसक्रीम बनाइए या रबड़ी बनाइए। मेरे चैनल पे और इस तरह के बहुत सारे वीडियोज हैं, आप देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। और ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।